चित्रगुप्त जी महाराज, इस बालक को यहाँ पे लाके क्यों बिठा दिया? ये कोई परीक्षा का रूम है जो यहाँ पे लाके बिठा दिया इसको? महाराज, ये रास्ता इसने खुद चुना है। परीक्षा के डर से, फंदे से झूल कर ये खुद यहाँ आया है महाराज। ओहो, अरे मूर्ख बालक, परीक्षा के परिणाम के डर से तूने अपना अनमोल जीवन समाप्त कर लिया? क्यों महाराज? मुझे डर परीक्षा के बाद आने वाले परिणाम का नहीं था। डर था तो मुझे परिणाम के बाद मेरे माँ बाप की उम्मीदों वाली परीक्षा का। बाप को उम्मीद थी कि मैं मेरिट लाके उनका नाम रोशन करूंगा, और मेरी माँ को उम्मीद थी कि वो मेरे अच्छे नंबर बताकर पड़ोसी पे रुबाब जमा सके। स्कूल वालों को तो सिर्फ मुझ पे विज्ञापन दिख रहा था। मेरे हर एक दोस्त में एक एक नंबर की होड़ लगी थी। मैं सबके बीच मजाक बनने जा रहा था, और इतनी उम्मीदों के रोज रोज वाले परिसर से थक कर मुझे अपने गले पर एक पल का प्रेशर लेना आसान लगा। अभी जिंदगी का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन जिनको अनुभव है उनसे बात करने में डर लगता है। वो जिंदगी के बारे में समझाते बहुत कम है, लेकिन जिंदगी को लेकर डराते बहुत ज्यादा है। इस वजह से मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले सका, और यहां आया तो जाना कि 5-10% एक्स्ट्रा लाने के चक्कर में 100% जिंदगी खत्म कराया। प्लीज यमराज जी, मुझे एक बार नीचे जाने दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सबकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। अगर मैं खरा भी नहीं उतर पाया ना, तो मैं अपने जीवन में ऐसे प्रयत्न जरूर करूंगा कि सबकी उम्मीदें मुझे लेके सही हो जाए। प्लीज यमराज जी, प्लीज प्लीज मुझे नीचे जाने दीजिए। क्या कहते हो चित्रगुप्त, इसको एक मौका और दें या नहीं? इसके कर्मों के हिसाब से इसकी बही में देखो इसका जीवन बैलेंस कितना है। कर्म तो इसके अच्छे हैं महाराज, लेकिन जीवन लीला के हिसाब से अभी इसके सामने बता नहीं सकता, वरना बच्चा है। आज ही हिसाब लगाकर रोज रोज जीने की बजाय रोज रोज मरेगा। किंतु महाराज, आवश्यकता अनुरूप इसके पास जीवन का बैलेंस है। सही बात है, जा बच्चा जा, जी ले अपनी जिंदगी। बेटा? हाँ पापा, बस पापा अभी सोया ही था, बस अभी आंख लगी थी। और पापा, अब की बार पक्का मैं फर्स्ट रैंक लेके आऊंगा, चाहे मुझे कितना भी पढ़ना पड़े, मैं पूरी कोशिश करूंगा पापा। अब की बार 100% मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। 3:30 बज रहे हैं, तू इतना प्रेशर मत ले। तू तेरे घर परिवार बाप सारी परिस्थितियां देख के तू तेरे हिसाब से कोशिश कर। परिणाम कुछ भी आए, तेरा बाप तेरे साथ है। तेरा काम मेहनत करना है। अगर तू तेरी मेहनत से संतुष्ट है तो परिणाम चाहे कुछ भी आए, तेरा बाप तेरे साथ है। बेटा बेटा, तेरे कंधों पर जाने की उम्र में मेरे कंधों में इतना दम नहीं है कि मैं तुझे मेरे कंधों पर ले जा सकूं। बस इतना ध्यान रखना कि तुझे चिंता मुक्त होकर पढ़ाई करनी है, चिंतन मुक्त होकर नहीं। ठीक है पापा। प्रेशर नहीं लेना दिमाग पे बिल्कुल भी, तू मेहनत कर। पर ऐसा नहीं कि वो आगे गया मैं पीछे रह गया, सब ऐसे चलता है बेटा। ज्यादा प्रेशर नहीं लेने का। आप सभी भाइयों बहनों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, तनाव की जंजीरें अपने बच्चों के पैरों में डालते समय यह जरूर ख्याल रखना कि अगर वो सहन नहीं कर पाया तो पैरों से निकलकर इन जंजीरों को गले तक आने में वक्त नहीं लगेगा। वक्त निकालकर बोर्ड परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं के समय उनके कंधे पर अपना हाथ मजबूती से रख दिया करो। कभी कभी उसके पास बैठकर 5-10 मिनट उसको ये एहसास दिला दिया करो कि सफलताओं से जिंदगी आसान जरूर होती है, लेकिन सफलता ही जिंदगी नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सियाराम।